हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अमित मिश्रा हियर। और आज हमारा और एक चैप्टर चालू हो रहा है रिवीजन का, EBCL का। और वो रिवीजन आज करेंगे हम लोग एक ऐसे चैप्टर का जो पार्ट ए में आता है। अगर मैं ABC एनालिसिस करूं इस पूरे EBCL सब्जेक्ट की, तो ये पार्ट ए में आता है अलॉन्ग विद कॉम्पिटिशन एक्ट। यानी अगर आप कॉम्पिटिशन एक्ट और SEZ एक्ट को साथ में मिला लो, तो इन दोनों का कंबाइंड वेटेज एटलीस्ट 32 से 35 मार्क्स चले जाएगा, ओनली फॉर टू चैप्टर्स। यस, कॉम्पिटिशन एक्ट जिसका रिवीजन हमारा ऑलरेडी हो चुका है पार्ट ए में, ठीक है, वो 25 मार्क्स का। और ये आपको कम से कम 8-10 मार्क्स के लिए आता है। हाँ जी, ये आपको कम से कम 8-10 मार्क्स के लिए आता है। तो दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के अराउंड 32 से 35 मार्क्स तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए मैंने कॉम्पिटिशन एक्ट का तो करा दिया है, अब मैं तुम्हारा ये SEZ एक्ट का कराऊंगा, तो तुम्हारा पूरा ए पार्ट हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। क्या बोला है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। देखो भाई साहब, 1991 के पहले अपनी गवर्नमेंट जो थी, अपना इकोनॉमी जो था, वो क्लोज्ड इकोनॉमी था। बट इन 1991 अंडर दी गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वॉज देन फाइनेंस मिनिस्टर। और वो टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, उनके वजह से वो लोग ने LPG लाया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद अपनी क्लोज इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, ठीक है, लिबरलाइज कर दिया इकोनॉमी को, ग्लोबलाइज कर दिया। अब सवाल ये उठता है, देखो कोई भी कंट्री हो, बीट एनी कंट्री, दे वॉन्ट एक्सपोर्ट्स। मतलब उनको क्या चाहिए कि हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स क्या करें, बहुत सारा एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट कम करें। हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स क्या करें, बहुत सारा एक्सपोर्ट्स करें बट इम्पोर्ट कम करें। क्योंकि बेटा अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा, तो कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, और अगर कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स आएगा तो वो कंट्री के लिए अच्छा होता है। समझ रहे हो? अब गवर्नमेंट आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोगों को एक्सपोर्ट करना चाहिए, बट गवर्नमेंट आप हमें एक्सपोर्ट करने के लिए क्या दे रहे हो? कुछ तो दो एक्सपोर्ट करने के लिए, फायदा तो पहुंचाओ, वरना इंडिया भी तो बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर हम लोग गुड्स बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें एक्सपोर्ट करने बोल रहे हो, तो व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट वी आर गेटिंग? तो गवर्नमेंट बोला यू विल गेट टैक्स बेनिफिट एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैन्युफैक्चरर्स बोला ठीक है, टैक्स बेनिफिट वगैरह तो सब सही है, बट व्हाट अबाउट प्लेस? हम मैन्युफैक्चर कहाँ करें, जगह कहाँ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? अब गवर्नमेंट, आपको तो पता ही है इंडिया कैसा है, ठीक है, इंडिया में जगह का मारा मारी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा जगह है जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और जहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोला बेटा हम तुमको एक एरिया सेटअप करके देगा, और उस एरिया का नाम रख दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेटा नाम क्या रख दिया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस, गवर्नमेंट बोला हम लोग एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा, जहां पर से तुम लोग करो मैन्युफैक्चरिंग, और उस मैन्युफैक्चरिंग को कर दो पूरा एक्सपोर्ट्स। क्या कर दो? एक्सपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट ने SEZ बनाने का आइडिया तो दिया, लेकिन वो SEZ किसके हिसाब से गवर्न होगा, वो SEZ को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट निकाल दिया, और उस एक्ट का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। ये पिक्चर में कब आया, ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। ये पिक्चर में आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 10th February 2006। हाँ जी, एक्ट आ गया था 2005 में, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ? 10th February 2006 से, ठीक है। अब जब भी मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करता हूं, तो आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि ये एक स्पेशल जोन बनाया है गवर्नमेंट ने, और ये जोन क्या करेगा, ये जोन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब सवाल ये उठेगा तुम लोग का कि सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में कहाँ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में कहाँ है? तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं एक सिंपल सा विकिपीडिया का आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूं। देर आर ओवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवर 200 SEZ इन इंडिया। ये पूरा लिस्ट है, ये पूरा SEZ का लिस्ट है, इंडिया में कौन सी SEZ है और कहाँ कहाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं,
ठीक है, ये देखो मैं नीचे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ. सी देर आर ओवर 200, 203 SEZ इन इंडिया राइट नाउ एज ऑन 2017 के हिसाब से जो लिस्ट पब्लिश की गई थी उसके हिसाब से इंडिया में कितने SEZ है, 203 यानी 203 SEZ है. अब इसमें से आप लोग ने काफी के नाम सुने होंगे, जैसे अगर जो मुंबई में रहते हैं या जिनको मुंबई पता है, ठीक है, दे विल बी अवेयर दैट एक SEZ है जिसका नाम है शिप्स. एक SEZ है जिसका नाम क्या बेटा, शिप्स. उसका मैं वेबसाइट भी दिखा दूंगा आपको, ये देखो ये एक SEZ है जिसका नाम क्या है, शिप्स. शिप्स का फुल फॉर्म क्या है, शिप्स का फुल फॉर्म क्या है, सैंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. क्या नाम है, सैंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. बेटा सैंटा क्रूज एक जगह का नाम है, सैंटा क्रूज क्या है, एक जगह का नाम है. तो मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि जैसे ही गवर्नमेंट ने ये SEZ एक्ट निकाला काफी सारे SEZ इंडिया में एस्टैब्लिश होना चालू हो गए, काफी सारे, बहुत सारे, ठीक है. कुछ SEZ यहाँ बन रहे, कुछ SEZ वहां बन रहे. आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 203 SEZ अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं इंडिया में. और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ये लोग उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे. समझ रहे हैं. अब यहाँ पर SEZ का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हम लोग एक एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे. मतलब मेरा मैन्युफैक्चरर बना के इंडिया में तो बेच रहा ही है, अब हम उसको बोलेंगे कि तू बना के फॉरेन में बेच, तो उसके लिए वो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. अब वो एक्सपोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व्स मिलेगा, और गवर्नमेंट खुश किससे होता है, अगर आप गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व ला, ठीक है. फिर लिखा है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कहना है ये तो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, चाहे वो गुड्स हो या चाहे वो सर्विसेज. या फिर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज. यस, हम लोग क्या करेंगे, SEZ में FDI लेके आएंगे. FDI क्या होता है बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यस, SEZ 100% तक FDI ले सकते भाई साहब, SEZ 100% तक FDI ले सकते. फिर हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, यानी जब हम लोग ये SEZ बनाएंगे ना, जैसे अगर मैं बात करूं शिप्स की, ठीक है, तो ये जो शिप्स का SEZ है ना, ये नई नई बोल के कम 8,000 से 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है. जब मैं बोल रहा हूँ 8,000 से 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, तो मैं कंपनीज के एम्प्लॉय यानी जो अंदर के एम्प्लॉयज है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके साथ साथ आजू बाजू जिनका बेनिफिट हो रहा है, जो बाहर स्टॉल्स वाले रहेंगे, जो बाहर शॉप्स वाले रहेंगे, जो वॉचमैन है, जो गेट कीपर है, जो एम्प्लॉयज है, जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स है, और उनके थ्रू जिनको जॉब मिल रहा है, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ. समझ रहे तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है. अब ये SEZ वर्क कैसे करता है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, लास्ट वाले बचे. और फिर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यानी हम लोग आपको एक जगह देंगे जहां पर बैठकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. क्लियर. अच्छा, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव है. पहला, हम लोग एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे. दूसरा, हम लोग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, इजी. तीसरा बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे. चौथा बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे. और पांचवा बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करेंगे. एज सिंपल एज दैट, ठीक है. अच्छा, अब ये SEZ बेसिकली होता क्या है, ध्यान देना, ये SEZ क्या होता है. अब ये अथॉरिटीज है, ये मैं बताऊंगा, पहले SEZ क्या होता है इस पर ध्यान देना, ठीक है. अब क्या होता है पता है क्या, ये आपका, ये पूरा आपका इंडिया है, ठीक है. ये पूरा क्या है, इंडिया. मेरे को मैप बनाने आता नहीं, मेरा ड्रॉइंग इतना अच्छा नहीं, हैंडराइटिंग देखते तो तुमको समझ ही गया होगा, ठीक है. अब ये पूरे इंडिया है, इसमें ना, इसमें ये मेरा क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. ये मेरा क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है. हाँ जी, इसको क्या माना जाता है, फॉरेन टेरिटरी माना जाता है. और यहां से जो भी गुड्स निकाले जाएंगे या अंदर लेके आए जाएंगे, यानी जो भी एक्सपोर्ट, जो भी गुड्स अंदर SEZ के भेजे जाएंगे या जो भी SEZ से निकाले जाएंगे, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला जाएगा, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला जाएगा. हाँ जी, बात समझना क्या बोल रहा हूँ. SEZ इज ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी. क्या बोला, SEZ इज ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. SEZ को हम लोग हमेशा फॉरेन टेरिटरी के हिसाब से ट्रीट करते हैं, जैसे ये अब्रॉड है, फॉरेन प्लेस, ठीक है. अब अगर SEZ में, अगर बेटा SEZ में कोई भी गुड्स,
कोई भी गुड्स अंदर भेजा जाता है तो वो एसईजेड के लिए इंपोर्ट होगा, वो एसईजेड के लिए क्या होगा, इंपोर्ट। या फिर एसईजेड कोई भी गुड्स बाहर बेचता है, एसईजेड कोई भी गुड्स बाहर बेचता है तो एसईजेड के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट्स होगा। ठीक है, अब एसईजेड को छोड़ के ये जो बाकी का एरिया है, एसईजेड को छोड़ के ये जो बाकी का एरिया है, इसको बुलाया जाता है डीटीए। क्या बुलाया जाता है, डीटीए, यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। क्या बोला जाएगा बेटा, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बुलाया जाएगा। तो ये जो शिप्स है मुंबई में, ये शिप्स को क्या बुलाएंगे हम लोग, शिप्स को क्या बुलाएगा, फॉरेन टेरिटरी। और शिप्स को छोड़ के बाकी जो भी जगह है मुंबई में या फिर पूरे इंडिया में, उसको क्या बुलाया जाएगा, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। एक बात दिमाग में बिठा लो, एसईजेड को हम लोग फॉरेन टेरिटरी बोलते हैं, पर एसईजेड को छोड़ के बाकी जो भी जगह है इंडिया में, जैसे ये जो 203 एसईजेड है, इनको छोड़ के इंडिया में जो भी जगह बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, वो सब का सब हो जाएगा बेटा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एनी एरिया, एनी एरिया, वापस से बोल रहा हूं, क्या बोला, एनी एरिया अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी कॉल्ड एज डोमेस्टिक टैरिफ will be called as domestic tariff area, yani DTA. क्या बुलाया जाएगा बेटा, DTA बुलाया जाएगा, as simple as that. ठीक है, अच्छा, और जितने भी SEZ है, जितने भी SEZ है, all SEZ will be treated as foreign territory. हाँ जी, जितने भी SEZ है सबको क्या बुलाया जाएगा, foreign territory बुलाया जाएगा, सिंपल इतना। अब इस SEZ एक्ट के अंदर कुछ कुछ अथॉरिटीज है, कुछ अलग अलग अथॉरिटीज है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये हमको देखना पड़ेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी ये हमको देखना पड़ेगा, फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या होता है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल सबसे मेन अथॉरिटी है, इनके ऊपर कोई नहीं, इनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके ऊपर कोई नहीं। SEZ एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ अप्रूवल मेन अथॉरिटी है, डेवलपमेंट कमिश्नर ये जोन कमिश्नर होता है, यानी हर एक जोन को संभालता है, अप्रूवल कमिटी ये हर एक SEZ के लिए बनता है, एवरी SEZ, जितने SEZ है उनके लिए अप्रूवल कमिटी बनता है। अच्छा, SEZ अथॉरिटी भी हर एक SEZ के लिए बनता है। अगर मैं बात करूं शिप्स के SEZ की, शिप्स का SEZ, आई रिपीट, शिप्स का SEZ जो कहां पर बेटा, मुंबई में, ये जो शिप्स का SEZ है, इसका जो डेवलपमेंट कमिश्नर है, इसका जो क्या है, डेवलपमेंट कमिश्नर है, वो किसको किसको कंट्रोल करता है, वो महाराष्ट्र के जितने भी SEZ है, जैसे एक चंद्रपुर में है, एक औरंगाबाद में है, मुंबई में काफी सारे, पवई में है, ठीक है, तो ये सब चीज को कौन कवर करता है, महाराष्ट्र डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ शिप्स। महाराष्ट्र में जितने भी SEZ है, सारे के सारे SEZ का कंट्रोल किसके पास है, शिप्स के डेवलपमेंट कमिश्नर के पास, ठीक है। फिर एक है होता है गोवा, तो गोवा में भी जितने भी SEZ है, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, शिप्स के डेवलपमेंट कमिश्नर के अंदर आएंगे। फिर एक प्लेस है बेटा, आपने सुना होगा, दमन एंड दीव, और एक और प्लेस है दादरा एंड नागरा हवेली। ये क्या बेटा, ये दोनों यूनियन टेरिटरी है। तो इन शॉर्ट जो शिप्स का डेवलपमेंट कमिश्नर है, जो शिप्स का क्या बेटा, डेवलपमेंट कमिश्नर है, वो क्या क्या संभालेगा, चार, दो स्टेट और दो यूनियन टेरिटरी संभालेगा। दो स्टेट कौन सा बोला मैंने, महाराष्ट्र एंड गोवा, और दो यूनियन टेरिटरी कौन सा बोला मैंने, एक आपका है दमन एंड दीव और दूसरा है दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट कमिश्नर का रोल क्या होता है बेटा, ये आपके एरिया को डेवलप करेगा, ये आपके एरिया को क्या करेगा, डेवलप करेगा। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, चैप्टर में जाएंगे तो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तुमको ये समझ गया अभी SEZ क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई SEZ से हम लोग एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट देंगे कि भाई आओ आप मैन्युफैक्चरिंग करो और एक्सपोर्ट करो, और गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व्स लाके, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और SEZ को फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, SEZ को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज होते हैं उनको क्या माना जाएगा, उनको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया माना जाएगा। क्या इंडिया में बहुत सारे SEZ है, द आंसर इज यस, इंडिया में बहुत सारे SEZ है, ओवर 200,
टू बी प्रिसाइज 203 जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वो अलग, मैं बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, अभी तक क्लियर है इतना, ठीक है चलो आगे बढ़ते। अब व्हाट इज एसईजेड? एसईजेड इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड एज ड्यूटी फ्री टेरिटरी। क्या बोला? ड्यूटी फ्री टेरिटरी, मतलब जब मैं एसईजेड का बात करूंगा, मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट लाइबल टू पे ड्यूटीज। अब ये कौन सी ड्यूटीज है? जो आपका कस्टम ड्यूटी होता है, जो आपका जीएसटी होता है, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो सब देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इनको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 10AA, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूं, लेकिन टैक्स के अंदर इनको बेनिफिट मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन दे रखा है 15 साल का 10 साल का, जब से ये एक्ट आया तब से, ठीक है। अच्छा, एंड शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। यस, इसको क्या माना जाएगा? फॉरेन टेरिटरी। बच्चा आप लोग ने कस्टम्स पढ़ा होगा, और अगर आप लोग ने कस्टम्स नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये बात तो पता होगी कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है, इंपोर्ट को डिस्करेज करता है, करेक्ट? तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज नहीं लगाता। गवर्नमेंट जो है बेटा वो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगाता, गवर्नमेंट इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाता है। तो यहां पर अगर आप एसईजेड में एक्सपोर्ट करोगे, यहां पर अगर आप लोग एसईजेड में क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, या फिर एसईजेड आपको एक्सपोर्ट करेगा, तो उनको ड्यूटीज वगैरह लगेगा, उनको वो फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि उनको फॉरेन टेरिटरी माना है, ठीक है। मैं बताऊंगा, फिर लिखा एसईजेड इज डीम्ड फॉरेन टेरिटरी एंड एनी अदर प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक है एक्सपोर्ट और एक है इंपोर्ट। एक क्या बेटा? एक्सपोर्ट, और एक क्या है? इंपोर्ट, ठीक है। अच्छा, दोनों डेफिनेशन क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। एक क्या बोल दिया मैंने? एक्सपोर्ट। एक क्या बोल दिया मैंने? इंपोर्ट, ठीक है। दोनों को क्रैक कर लेंगे क्या बोला गया, ठीक है ना। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक होता है डीटीए और एक होता है एसईजेड, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एक एसईजेड ने कोई गुड्स फॉरेन कंट्री में बेचा, अभी एक्चुअल फॉरेन कंट्री में बेचा, तो इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, एसईजेड अगर फॉरेन कंट्री में कोई गुड्स बेच रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट माना जाएगा। सेकंड, अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई गुड्स एसईजेड में भेजा तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्यों? बिकॉज एसईजेड को फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, एसईजेड को क्या माना जाता है? फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, समझ रहे हो? अच्छा, थर्ड, अगर एक एसईजेड दूसरे एसईजेड में गुड्स भेज रहा है तो जो गुड्स भेज रहा है उसको क्या माना जाएगा? उसके लिए क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट्स हुआ है। उसके लिए क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट्स हुआ है। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब अगर एसईजेड डीटीए में भेज रहा है तो उसको भी क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट माना जाए, समझ रहा है? तो एसईजेड अगर एक्चुअल में फॉरेन कंट्री के बाहर भेज रहा है तो वो एक्सपोर्ट, एक एसईजेड दूसरे एसईजेड को भेज रहा है वो एक्सपोर्ट, डीटीए एसईजेड को भेज रहा है वो एक्सपोर्ट, एसईजेड डीटीए को भेज रहा है उसको भी एक्सपोर्ट माना जाए, ठीक है भाई। एक्सपोर्ट कब होता है? जब आप इंडिया से फॉरेन कंट्री में दे रहे हो या फॉरेन टेरिटरी में दे रहे हो। अब हमने यहां पर क्या कर रखा है? हमने फॉरेन टेरिटरी किसको मान के रखा है? एसईजेड को। तो आप एसईजेड में भी जो गुड्स भेजोगे उसको क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, ठीक है। अब इंपोर्ट क्या होता है? अब इंपोर्ट क्या हो रहा है पता है क्या? फॉरेन कंट्री वो एसईजेड को गुड्स दे रही है, एसईजेड इंडिया में गुड्स दे रही है, तो एसईजेड ने जो गुड्स रिसीव किया एसईजेड के लिए उसको क्या माना जाएगा? इंपोर्ट माना जाएगा। या फिर एक एसईजेड दूसरे एसईजेड को गुड्स दे रही है तो जो गुड्स रिसीव कर रही है उसको क्या, उसके लिए क्या माना जाएगा? इंपोर्ट माना जाएगा, समझ रहे हो? तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था किसका? एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, समझ रहे हो? देखो, अगर एक एसईजेड दूसरे को दे रही है तो एक के लिए एक्सपोर्ट है, जो दे रहा है उसके लिए एक्सपोर्ट है, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है? इंपोर्ट है, एज सिंपल एज दैट। या फिर चलो कोई एसईजेड अगर डीटीए से भी ले रहा है तो भी क्या माना जाएगा? इंपोर्ट माना जाएगा, समझ रहे हो? तो देखो ये लिखा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डेफिनेशन, ठीक है। अब
आगे चलते हैं, आगे लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एसईजेड बनेगा कैसे, एसईजेड बनेगा कैसे। तो पहले तो ये देखते हैं कि एसईजेड कौन बना सकता है। बेटा एसईजेड बनाने वाले तीन लोग होते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, या फिर एनी अदर पर्सन। मतलब अपना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एसईजेड बना सकता है, जैसे शिप्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। अच्छा, शिप्स 1973 में बना था, 73 बहुत पुराना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि एसईजेड कौन बना सकता है, या तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, या तो आपका कोई भी इंसान बना सकता है, जिसको लिखा है हम लोग ने यहां पर एनी अदर पर्सन। यानी कि आप और हम भी एसईजेड बना सकते हैं, हाँ, बट हमारे पास उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए। बेटा एसईजेड बनाने के लिए 100 acres का लैंड चाहिए, 100 acres या हेक्टर, मतलब ऐसा अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग लैंड के रिक्वायरमेंट्स। तो आपको आपके आपके पास अगर आपको एसईजेड बनाना है तो आपके पास उतना बड़ा लैंड भी होना चाहिए। पता चला मेरे पास एक घर है, मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता हूँ कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेरे को एसईजेड बनाना है, गवर्नमेंट चप्पल से मारेगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोला कौन एसईजेड बना सकता है, तो बोल देना सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो एनी अदर पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड कैसे बनाएगा। हाँ जी, अगर कोई पूछता है कि स्टेट गवर्नमेंट आप एसईजेड कैसे बनाओगे, तो देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट को एसईजेड बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन उनको पहले परमिशन लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल का। किसका परमिशन लेना पड़ेगा बेटा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल का। आई रिपीट, इसका परमिशन बोर्ड ऑफ अप्रूवल। मैंने बोला था ना, बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या है, यहां पर सुप्रीम अथॉरिटी है। इनको कौन बनाता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाई है, और ये क्या करेगी, ये सिर्फ अप्रूवल देगी आपको। ये क्या करेगी आपको अप्रूवल देगी कि आप एसईजेड कैसे बनाओगे, इंडिया में कहां बनाओगे, क्यों बनाओगे, पर्पस क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को एसईजेड बनाना है तो क्या करेगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास एप्लीकेशन देगी। अब दो तीन चीज हो सकती है, ठीक है। पहला, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल को एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर, अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, बराबर। देखो यहां पर बोर्ड ऑफ अप्रूवल है, उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो किसको बता रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बता रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को बता रहा है, करेक्ट। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रपोजल दिया है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल बोलता है हम अप्रूव तो कर देंगे, लेकिन आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखा है, अप्रूव प्रपोजल विथ मॉडिफिकेशन। तो क्या करेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल इस केस में, क्या करेगा? देखो स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बताया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल बोला मॉडिफिकेशन कर। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट उस मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो बोलेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट उस मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है तो ही बोर्ड ऑफ अप्रूवल उसको आगे अप्रूवल देगा कि हाँ ये एसईजेड बन सकता है, ठीक है। और फिर अगर एप्लीकेशन का अप्रूवल कर रहा है तो फिर किसको बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बताएगी? स्टेट गवर्नमेंट। यानी देखो क्या हुआ, बताया क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, किसको दिया? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल बोलता है तुम लोग को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब अगर मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल खुश, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल किसको बता देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को ये अप्रूवल दे दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, क्लियर। अच्छा, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करते तो वहां पर ही मैटर क्लोज हो जाएगा, आपको एसईजेड बनाने मिलेगा नहीं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एसईजेड बनाने नहीं मिलेगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट लिखा रिजेक्ट द प्रपोजल। हाँ जी, क्या लिखा है? रिजेक्ट द प्रपोजल। या तो एक्सेप्ट हो सकता है, या तो मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट हो सकता है, या तो रिजेक्ट हो सकता है। तो जब रिजेक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजन बताया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस रीजन को स्टेट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगा। इन शॉर्ट, बोर्ड ऑफ अप्रूवल जब भी बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही जा, करेक्ट। बट ये तो हम लोगों ने बात किया कि जब स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड बना रहा है, व्हाट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट को एसईजेड बनाना है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एसईजेड बनाना है तो बिना किसी अप्रूवल के बिंदास बना सकती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को ना बोर्ड ऑफ अप्रूवल को पूछना है ना स्टेट गवर्नमेंट को पूछना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पर जहां चाहे वहां एसईजेड बना सकता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज सब्सिडियरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से अप्रूवल लेगा नहीं। क्लियर ना? तो हाँ, तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को एसईजेड बनाना है तो वो क्या करेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को एप्लीकेशन देगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल तीन चीज कर सकता है, या तो एक्सेप्ट विद मॉडिफिकेशन, और या तो रिजेक्ट। जो भी करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एसईजेड बनाना है तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग बिंदास बना सकते हैं, ना उनको स्टेट गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत है, ना ही उनको बोर्ड ऑफ अप्रूवल को पूछने की जरूरत है। क्लियर? अब तक तो हमने सीखा कि एसईजेड कौन बना रहा था? गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। अब हम सीखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड बाय एनी पर्सन, कोई भी इंसान। ठीक है, अगर किसी को भी एसईजेड बनाना है तो प्रपोजल देगा या तो स्टेट गवर्नमेंट को या तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। आई रिपीट, प्रपोजल किसको देगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल देगा या तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को प्रपोजल देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल किसको पास फॉरवर्ड कर देगी? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। और अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल को दिया जाता है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो देगा एसईजेड के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पूछने के बाद। यानी आप ऐसे खाओ या उल्टा खाओ कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों को पूछना पड़ेगा। जैसे अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास गया तो स्टेट गवर्नमेंट मेरा एप्लीकेशन किसको दे देगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, बोलेगा तुम अप्रूवल। चलो मैं डायरेक्ट बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास गया तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल देने के पहले स्टेट गवर्नमेंट को पूछेगा कि इनको अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो क्या लिखा है, if the proposal has been received by the state government, then state government shall forward the proposal to the board of approval. Correct? And if the proposal has been received by the board of approval, then board may grant approval. यानी board approval तो दे देगा, लेकिन after receipt of approval from board, approval of state government should also be obtained. यानी board का approval लेने के बाद आपको state government का approval भी लेना पड़ेगा। Simple? ना। यहाँ पर फिर क्या लिखा है? Establishment, approval and authorization to operate special economic zone. सेक्शन 4 बोलता है कि आप लोग किस तरीके से एस्टैब्लिश करोगे। तो सबसे पहले तो आपको लेटर ऑफ अप्रूवल लेना है बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। ठीक है, फिर डेवलपर कौन होगा? जो एसईजेड बना रहा है। अब एसईजेड कौन बना सकता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो एनी अदर पर्सन, है ना? या तो एनी अदर पर्सन। ये लोग में से कोई भी क्या कर सकता है? एसईजेड बना सकता है। ठीक है, तो वो लोग को एग्जैक्ट डिटेल देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोग ये एरिया ऐसे ऐसे जगह पर बना रहे हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये लोग सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो वो लोग उस एरिया को एसईजेड डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करने के पहले कुछ फैक्टर्स पर ध्यान दे, कुछ चीजों पर ध्यान दे। ठीक है, समझना बात को, समझना। सी, आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से क्या मिलेगा? लेटर ऑफ अप्रूवल मिलेगा। लेटर ऑफ अप्रूवल मतलब हाँ, आप क्वालिफाइड हो, आप एसईजेड बना सकते हो। लेकिन एसईजेड बनाने के लिए फाइनल स्टैम्प किसका चाहिए आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे उनका फाइनल स्टैम्प लेने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पूछेगा कि आपका एरिया का डिटेल्स क्या है, आपका एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, आप बिजनेस किधर करने वाले हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको वो सब चीज सबमिट करना पड़ेगा। करेक्ट ना? अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोई भी एरिया को एसईजेड बनाने के पहले किन चीजों पर ध्यान दे, वो देखेगा कि क्या एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, वो देखेगा क्या गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रमोट हो रहा है, फिर क्या इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन हो रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इंडिया का सोवरनिटी और इंटीग्रिटी वैसे ही रहेगा, क्या इंडिया के सोवरनिटी और इंटीग्रिटी यानी इंडिया की एकता को खतरा तो नहीं है, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा तो नहीं है। इन सब चीजों को देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा? अप्रूवल देगा। आपको नहीं लगता ये सारे वही पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़े थे ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसईजेड में? एसईजेड स्कीम में क्या क्या पढ़ता है? वहां पर पहला पढ़ा था एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करना। तो ये सब वही तो है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एरिया को एसईजेड कब बनाएगा? जब आप एसईजेड का जो स्कीम है, जो ऑब्जेक्टिव है, आप उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो। जैसे आपको एसईजेड बनाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा ही नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व आ रहे ही नहीं है, तो आपको अप्रूवल देके मतलब ही नहीं है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा फैक्टर्स देखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एसिडेट के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कोई भी एसिडेट में अगर आप जाओगे तो तीन एरिया होता है, एज पर सेक्शन 6 तीन एरिया होता है। एक होता है प्रोसेसिंग एरिया, यानी वो एरिया एरिया वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज डन, जहां पर आप लोग क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में देते हो। फिर एक होता है एरिया एक्सक्लूसिव फॉर ट्रेडिंग और वेयर हाउसिंग पर्पस, हाँ जी, एरिया वेयर यू स्टोर गुड्स। करेक्ट। और एक होता है नॉन प्रोसेसिंग एरियाज फॉर अदर एक्टिविटीज, क्या होता है नॉन प्रोसेसिंग एरियाज फॉर अदर एक्टिविटीज, यानी मेरे को क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना है, ठीक है, या फिर मेरे को कुछ बाइंग एंड सेलिंग करना है, या फिर मुझे कुछ वर्कशॉप्स खोलने हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा नॉन प्रोसेसिंग एरिया में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर कौन से ड्यूटीज वगैरह एग्जेम्प्ट है, तो देखना क्या लिखा है, ऑल गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ एसिजेट, यानी एसिजेट से जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर जो भी इंपोर्ट कर रहे हो या जो भी गुड्स प्रोक्योर कर रहे हो डीटीए से, यार एसिडेट या तो क्या कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, या तो एसिडेट क्या कर रहा है इंपोर्ट कर रहा है, या तो एसिडेट किससे डील कर रहा है डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से, तो वो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज और सेस। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है जीएसटी वगैरह होता है, ये उनको पे नहीं करना पड़ेगा, ये तो सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी से यहां से जो आगे के दो तीन पेज है वो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होने वाले, ठीक है। क्या लिखा है देखो, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अब ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, कौन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव या इनका ड्यूटी क्या है, टू प्रमोट एंड एंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ एसिजेट, यानी एसिजेट का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल देखेगा। भाई साहब, जैसे सेबी में कैसा, सेबी एक्ट में कैसे सेबी को बना दिया है, सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को देखता है, वैसे ही एसईजेड एक्ट में किसको बना दिया है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बना दिया। ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में जितने भी एसईजेड है वो लोग बराबर से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, उनका काम बराबर हो रहा है कि नहीं, उनको अप्रूवल बराबर से दिया जा रहा है कि नहीं, वो सब देखेगा। भाई साहब, बोर्ड ऑफ अप्रूवल का मेन पर्पस क्या होता है, उनका मेन पर्पस होता है आपको अप्रूवल देना, आपको लाइसेंस देना एसिजेड बनाने के लिए। आई रिपीट, क्या बनाने के लिए, एसिजेड, ठीक है। पूरे कंट्री में देयर विल बी ओनली वन बोर्ड ऑफ अप्रूवल, एक ही बोर्ड ऑफ अप्रूवल होगा इंडिया में जितने भी एसिजेड है सबकी, ठीक है। अब इनका पावर्स क्या देखना, दे विल ग्रांट अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसिजेड, यानी अगर आपको एसिजेड बनाना है, आपको अप्रूवल चाहिए, तो आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल कंपलसरी लगेगा। ये लोग आपको एक लेटर इशू करते हैं जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ अप्रूवल, करेक्ट। नेक्स्ट लिखा है मॉडिफाइंग प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसिजेट, यानी मैंने एसिजेट बनाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन बोर्ड ऑफ अप्रूवल को लगता है कि इसमें मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, तो लोग मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इन एसिजेट बाय द डेवलपर, यानी डेवलपर कौन सी एक्टिविटी करने वाला है, ठीक है, डेवलपर कौन सी एक्टिविटी करने वाला है, ये भी कौन देगा, इसका भी अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल देगा, ठीक है। तीन चीज बोलो, पहला वो लोग आपको अप्रूवल देंगे, सेकंड वो लोग मॉडिफिकेशंस बोलेंगे आपके एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशंस करो, थर्ड वो लोग आपको बताएंगे कि आप कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हो जिसका परमिशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। फिर वो लोग आपको अप्रूवल देंगे अगर आपको फॉरेन कोलैबोरेशन करना है या एफडीआई लेना है तो, हाँ जी, अगर आपको एसिडेड में एफडीआई लेना है या आपको फॉरेन प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करना है, पार्टनरशिप करना है, तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपको अप्रूवल देगा। फिर ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्टिंग प्रपोजल फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन एसिजेट, यानी मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वाला हूँ, मुझे एसिजेट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देना है, तो वो एसिजेट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका भी अप्रूवल कौन देगा, मुझे बोर्ड देगा, यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल देगा। फिर वो लोग सस्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके लेटर ऑफ अप्रूवल को, या फिर अपील्स वगैरह को डिस्पोज करेंगे, यार अगर आपका आपका कुछ अपील वगैरह है जिसको आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास फाइल करना है, तो उसको भी वो लोग अपील को डिस्पोज कर देंगे, डिस्पोज मतलब आपका केस सुनेंगे और मैटर क्लोज करेंगे, एंड नेक्स्ट परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी डिसाइडेड। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या क्या करता है, पहला वो लोग अप्रूवल देंगे आपको किस लिए, एसिडेट बनाने के लिए, दूसरा वो लोग अप्रूवल देंगे लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ, करेक्ट,
तीसरा बोला गया है वो लोग आपको फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन या फिर एफडीआई के लिए क्या दे देंगे बेटा, अप्रूवल दे देंगे। अच्छा वो लोग अप्रूवल दे सकते तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है, तो लोग सस्पेंड करेंगे या कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो लोग आपको ऑथोराइज एक्टिविटी बताएंगे कि आप कौन से काम कर सकते हो, फिर लोग अपील्स भी हैंडल करते हैं। और सेवन बोला गया है सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, करेक्ट। तो ये सारा किसका रोल है या फंक्शंस है, तो ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल का है। प्लीज आप लोग इसको याद रखना, बोर्ड ऑफ अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ एसिडेंट इन सर्टन केसेस, यानी अगर आप लोग ने बिजनेस बराबर से नहीं किया तो आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड भी किया जा सकता है। सो सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन सर्टन केसेस, यानी अगर आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो आपकी लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड की जा सकती है। हाँ जी, अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपको लेटर ऑफ अप्रूवल दे सकता है तो वो आपसे लेटर ऑफ अप्रूवल छीन भी सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। अब कब सस्पेंड करेगा, कब छीनेगा? व्हेन डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन और परफॉर्म द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम, तो लेटर ऑफ अप्रूवल आपका छीना भी जा सकता है। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन और परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम, यानी डेवलपर को जो भी फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे एसिडेट को डेवलप करना, सिर्फ डेवलपर कौन होगा, जो एसिडेट बनाएगा, करेक्ट, जो बंदा एसिडेट बनाएगा, जो बंदा एसिडेट को डेवलप करेगा, अब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर डेवलपर ने कंटिन्यूअसली बोर्ड का यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बात नहीं सुनी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने उसको बोला ऐसा करना वैसा करना, उसने बोर्ड ऑफ अप्रूवल को भाव ही नहीं दिया बिल्कुल, या फिर डेवलपर हैज वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेटर, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको अप्रूवल दिया गया था आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर डेवलपर का फाइनेंशियल पोजिशन अब थोड़ा डगमगा गया है, यानी उसका फाइनेंशियल पोजिशन अच्छा नहीं है, वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अब सस्पेंड करने के पहले 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, मैक्सिमम सस्पेंशन 1 ईयर के लिए हो सकता है, और जब सस्पेंड कर दिया जाएगा तो पूरा बिजनेस कौन टेक ओवर कर लेगा, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आ गया डेवलपमेंट कमिश्नर। अब देखो यहां पर आ जाना, ये देखो ये अलग अलग अथॉरिटी है, यहां पर एक अलग अलग अथॉरिटी है, ठीक है। अब अथॉरिटीज अंडर SEZ एक्ट क्या करता है, अथॉरिटीज अंडर SEZ एक्ट क्या करता है, तो मैंने आपको बताई थी अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट, हाँ जी मैंने आपको अलग अलग अथॉरिटीज बताई थी ना, तो मैंने बोर्ड ऑफ अप्रूवल बताई जो मेन अथॉरिटी है। अब मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट कमिश्नर, मेरे डेवलपमेंट कमिश्नर एक जोनल लेवल पर होता है, ये मैंने बताया था ना कि जो शिप्स का, जो मुंबई में शिप्स SEZ है उसका डेवलपमेंट कमिश्नर टोटल 4 स्टेट्स को हैंडल करता है, वो हैंडल करता है आपके महाराष्ट्र को, गोवा को, दमन एंड दीव को और दादरा एंड नागर हवेली को, ठीक है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट कमिश्नर का फंक्शन क्या होता है भाई साहब, डेवलपमेंट कमिश्नर का फंक्शन क्या होता है ये जानने वाली बात होती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर 1 or more SEZs। अच्छा सिर्फ डेवलपमेंट कमीशन नहीं, उसके साथ साथ अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है या अदर एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट कर सकता है, जैसे कमिश्नर को हेल्प करने के लिए और भी लोग चाहिए होंगे ना, तो उनको भी अपॉइंट कर सकता है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करेंगे फॉर सेटिंग अप यूनिट्स इन दी SEZ, यस SEZ में यूनिट्स किस तरीके से सेटअप करना है, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए कौन गाइड करेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर। फिर ये लोग एंश्योर करेंगे दैट दे आर टेकिंग सूटेबल स्टेप फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम SEZ, यानी SEZ से एक्सपोर्ट्स अच्छी तरीके से हो, ये भी कौन देखेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर देखेगा। सी बोर्ड ऑफ अप्रूवल का काम क्या होता है, अप्रूवल देना, सस्पेंड करना एक्सेट्रा, लेकिन एक्सपोर्ट बराबर से हो रहा है कि नहीं ये किसका काम होगा, डेवलपमेंट कमिश्नर। फिर डेवलपमेंट कमिश्नर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, यानी मीडिएटर होगा बेसिकली, ठीक है। फिर ये मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर एंड द यूनिट्स इन SEZ, SEZ में जितने भी यूनिट्स हैं वो लोग बराबर से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सब भी देखना पड़ेगा इसको, या फिर डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस एज मे बी असाइन टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंक्शन उसको असाइन करेगा डेवलपमेंट कमिश्नर को, वो सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, करेक्ट।
अब ये डेवलपमेंट कमीशन किसके लिए होता है भाई? एक या एक से ज्यादा एसिड के लिए। जैसे मैंने शिप्स के एसिड का एग्जांपल दिया था, शिप्स का जो एसिड है मुंबई में, वो डेवलपमेंट कमिश्नर क्या करता है, वो चार स्टेट्स को हैंडल करता है। चार स्टेट बेसिकली, दो स्टेट्स, दो यूनियन टेरिटरी, गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, उनको क्या करता है बेटा, हैंडल करता है। अब ये होता है अप्रूवल कमिटी बेटा। एक होता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो पूरे इंडिया लेवल पर होता है, जो पूरे इंडिया के एसिड को संभालता है, और एक होता है अप्रूवल कमिटी, जो सिर्फ पर्टिकुलर एक एसिड के लिए होता है, फॉर पर्टिकुलर एसिड। हर एक एसिड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बनाएगा? अप्रूवल कमेटी को बनाएगा। हाँ जी, जो भी एसिड इंडिया में है, उन सारे एसिड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अप्रूवल कमेटी बनाएगा। अब अप्रूवल कमेटी कब बनानी, ध्यान से सुनना। ये एक्ट आया 10th February 2006 को, ठीक है। अब 10th February 2006 के पहले भी बहुत सारे एसिड हुआ करते थे, बट उनके लिए एक्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है। जैसे शिप्स, शिप्स तो 1973 से 74 से, ठीक है। तो अब 10 फेब 2006 में ये एक्ट आने के बाद सिक्स मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है? अप्रूवल कमेटी बना लेनी। सिक्स मंथ्स के अंदर क्या करना है? अप्रूवल कमेटी बना लेनी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एसिड। जो एसिड एक्ट आने के पहले थे, एक्ट आने के बाद 6 महीने के अंदर वो लोग क्या करेंगे? अपना एसिड बना लेंगे, करेक्ट। सेकेंड, जो एसिड 10 फेब 2006 के बाद आ रहे, यानी एक्ट आने के बाद SEZ खुल रहे हैं, तो वो लोग जब ही बन जाएंगे, उनको भी 6 मंथ्स के अंदर क्या करना है? अप्रूवल कमेटी को अपॉइंट कर देना। सिंपल। अब अप्रूवल कमेटी का पावर क्या होगा? तो ये लोग अप्रूव करेंगे इंपोर्ट को, प्रोक्योरमेंट को फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी DTA से कोई भी गुड्स लेना है तो अप्रूवल किसका लगेगा? अप्रूवल कमेटी का लगेगा। फिर ये लोग क्या करेंगे? सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना है आपको आउटसाइड इंडिया या DTA में, जो भी आपको गुड्स इंपोर्ट करना है, जो भी आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है, जो भी आपको सर्विसेज देना है, वो सबका अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल कमेटी। बेटा बोर्ड ऑफ अप्रूवल और अप्रूवल कमेटी अलग होती है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल पूरे इंडिया लेवल पर होता है, वेरस अप्रूवल कमेटी सिर्फ और सिर्फ कौन से लेवल पर होता है? पर्टिकुलर SEZ लेवल पर होता है, ठीक है। अब देन दे विल मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और वेयर हाउसिंग और ट्रेडिंग इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर गुड्स को कैसे रखा जा रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, ये सब भी कौन देखेगा? आपकी अप्रूवल कमेटी देखेगी। फिर अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप यूनिट्स। यानी अगर मुझे SEZ बनाना है कि नहीं, ये मुझे बोर्ड ऑफ अप्रूवल बताएगा। लेकिन SEZ के अंदर मुझे मेरी दुकान खोलनी है कि नहीं, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे अप्रूवल कमेटी बनाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू तो ये शिप्स SEZ है ना, उसके अंदर ओवर 400 यूनिट्स है। जब मैं बोलता हूँ 400 यूनिट्स है, मतलब 400 मैन्युफैक्चरर्स है, 400 से ज्यादा क्या है, अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, या LLP है, कुछ भी, मतलब जो भी बोलो, ठीक है। तो उनको अगर SEZ के अंदर अपनी दुकान खोलनी है, तो वो अप्रूवल किसका लेंगे? अप्रूवल कमेटी का, समझ रहे हो। फिर अलाउ ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फॉरेन कोलेबरेशन एंड FDI। हाँ जी, जो यूनिट्स है अंदर, यूनिट्स से अंदर, जैसे मैं SEZ के अंदर मैंने अपना दुकान खोला है, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड, तो XYZ लिमिटेड को अगर फॉरेन कोलेबरेशन चाहिए या FDI चाहिए, तो लोग अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल लेंगे। और अगर SEZ को फॉरेन कोलेबरेशन चाहिए या FDI चाहिए, तो लोग बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल लेंगे, समझ रहे हो। फिर मॉनिटर, दे विल मॉनिटर सुपरवाइज एंड कंप्लायंसेस, कि आप लोग एक्ट को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर दे विल परफॉर्म सच अदर फंक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बताए। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर सेटिंग अप ऑफ यूनिट, वेरी इजी। अगर आपको यूनिट सेटअप करना है, आपको ऑथोराइज ऑपरेशंस करना है। ऑथोराइज ऑपरेशन मतलब जिसका परमिशन SEZ एक्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रपोजल किसको सबमिट करोगे? डेवलपमेंट कमिश्नर को। डेवलपमेंट कमिश्नर किसको दे देगा? अप्रूवल कमेटी। आई रिपीट, मुझे क्या करना है? XYZ लिमिटेड खोलना है। कहाँ पर खोलना है? SEZ के अंदर। तो मैं एप्लीकेशन किसको दूंगा? डेवलपमेंट कमिश्नर को। और डेवलपमेंट कमिश्नर मेरा अप्रूवल, मेरा एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड कर देगा? अप्रूवल कमेटी, करेक्ट। अब अप्रूवल कमेटी या तो एक्सेप्ट कर देगा या तो रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो डेवलपमेंट कमिश्नर को लेटर ऑफ अप्रूवल दिया जाएगा, जो कि वो फॉरवर्ड कर देगा यूनिट इन SEZ को, और SEZ बनाने का परमिशन मिल जाएगा। अच्छा, अगर रिजेक्ट कर दिया, सपोज अप्रूवल कमेटी ने क्या कर दिया, SEZ बनाने का प्रपोजल, SEZ बनाने का नहीं, SEZ में यूनिट बनाने का,
प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और मैं उस रिजेक्शन से नाराज हूं, तो मैं अपील कहां करूंगा? अपील करूंगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। यस, अप्रूवल कमिटी के अगेंस्ट आप अपील कहां कर सकते हो? बोर्ड ऑफ अप्रूवल में कर सकते हो। करेक्ट। अब लिखा है कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर, यानी जो एंटरप्रेन्योर को लेटर ऑफ अप्रूवल दिया है यूनिट सेटअप करने के लिए। भाई ऊपर जब हम लोग सस्पेंशन का सीखा ना, तो हम लोग ने क्या सीखा वहां पर? पूरे एसिसेट के बारे में। यहां पर हम क्या सीख रहे? सिर्फ एक यूनिट के बारे में। हाँ जी, यहां पर क्या सीख रहे हम लोग? सिर्फ एक यूनिट के बारे में। तो अप्रूवल कमेटी के पास पावर है, वो अप्रूवल लेटर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कब करेगा? जब उनको रीजन है, जब वो लोग बिलीव करते हैं कि मैंने कंटिन्यूअसली इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया। क्या किया मैंने? कंटिन्यूअसली इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है। जब मैं बोलता हूं कि मैंने कंटिन्यूअसली इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है, मतलब मैंने इस एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया। करेक्ट। एंड बिफोर कैंसिलिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन, यानी अगर मैं आपका लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं आपको मौका दूंगा बोलने के लिए कि आप बताओ कि आपका लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल क्यों नहीं करना चाहिए। और एक बार आपका अप्रूवल लेटर कैंसिल कर दिया, तो अब आपको कोई भी एग्जेम्पशन, कंसेशन, बेनिफिट या डिडक्शन मिलेगा नहीं। अब समझो बात को, मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड हूं, और मैंने क्या किया है, मैंने एससीजेड में अपना ऑफिस खोला। अब वो लोग मेरा लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल करने आए और मेरे पास 100 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है, और इस स्टॉक पर मैंने सब टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर लिया है ऑलरेडी। तो अगर मैंने टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर लिया है, तो वो लोग बेनिफिट को भी कैंसिल कर देंगे, और जितना बेनिफिट मुझे मिला है वो मुझे लौटाना पड़ेगा। और अगर मैं अप्रूवल कमिटी के सस्पेंशन या कैंसिलेशन ऑर्डर से खुश नहीं हूं, तो मैं अपील कहां करूंगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल में अपील करूंगा। तो कहना है से अप्रूवल, देखो ये डेवलपमेंट कमिश्नर, उसके ऊपर अप्रूवल कमिटी, और उसके ऊपर क्या आएगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल आएगा। कहना है से ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है ना। फिर क्या लिखा? सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब ऐसा बैंकिंग यूनिट जो फॉरेन में है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब ऐसा बैंकिंग यूनिट जो कहां है बेटा? फॉरेन में है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना। सपोज SBI बैंक का एक ब्रांच शिप्स SEZ में है। कौन से SEZ में बेटा? शिप्स SEZ में है। तो इस ब्रांच को क्या बुलाया जाएगा? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्या बुलाएगा? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अच्छा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्यों बुलाया जाएगा? हाँ जी, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्यों बुलाया जाएगा? बिकॉज तो ऐसा बैंकिंग यूनिट जो कहां बना है? एसेट में बना है, उसको क्या बुलाया जाएगा? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्यों बेटा? क्योंकि ऑफशोर बैंकिंग ये जो आपका SEZ है, उसको क्या बुलाया जाता है? फॉरेन टेरिटरी। और अगर आपको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट खोलना है, तो आप खोल सकते हो। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा RBI को, और RBI के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप RBI के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। सिंपल ना। फिर आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक ऐसे सेंटर होते हैं जो आपको फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं। फिर सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? बेसिकली क्या होता है पता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो, आपका सारा काम हो जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके SEZ के लिए इंस्पेक्शन वगैरह भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, या यूनिट्स के लिए इंस्पेक्शन वगैरह भी ऑर्डर कर सकता है। और ऑर्डर इंस्पेक्शन कौन करेगा? एजेंसी करेगा। लेकिन अगर अगर इंस्पेक्शन हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजेंसी अपॉइंट की है, उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। और जो भी एजेंसी है, वो रिपोर्ट इसको सबमिट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। एकदम छोटा सा पॉइंट। ठीक है, फिर लिखा इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। यस, एजेंसी और ऑफिसर के पास पावर है, वो मेरा इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर भी कर सकते हैं। अब एजेंसी और ऑफिसर कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर इन द SEZ और इन अ यूनिट आफ्टर नोटिफाइंग डेवलपमेंट कमीशन। यानी किसी भी एजेंसी को अगर SEZ का इंस्पेक्शन करना है, या फिर उनको किसी यूनिट्स का इंस्पेक्शन करना है, तो उनको अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? डेवलपमेंट कमिश्नर का। बट अगर एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है, एजेंसी को किसने भेजा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अप्रूवल लेने का या डेवलपमेंट कमिश्नर को बताने का कोई जरूरत नहीं। करेक्ट ना। इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर विल बी कंडक्टेड इफ द एजेंसी और ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस इज कमिटेड।
यानी आपके ऊपर ऐसे ही केस चलाया नहीं जाएगा, अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो ही आपके ऊपर केस चलाया जाएगा या तो ही आपके ऊपर इंस्पेक्शन वगैरह किया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है एसिडेट से जितने भी ऑफेंसेस निकलेंगे, यानी एसिडेट में जितने भी झोल हो रहे हैं, जितने भी नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं, उसको कौन देखेगा, कौन हैंडल करेगा, तो आपके लिए बनाया गया है कोर्ट, एक डिफरेंट कोर्ट बनाया गया है, जो कि किसके मदद से बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। जो जितने भी मैटर्स होंगे एसिजेड एक्ट के अंदर ये लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब डेजिग्नेटेड कोर्ट के अलावा यहाँ पर जो कोर्ट्स बनाए गए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की मदद से, उसको डेजिग्नेटेड कोर्ट बोला जाता है। अब डेजिग्नेटेड कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट ये मैटर्स को हाथ नहीं लगा सकता, करेक्ट। अब जो भी पर्सन डेजिग्नेटेड कोर्ट के ऑर्डर से कुछ नहीं है, ये डेजिग्नेटेड कोर्ट है, आप इसके ऑर्डर से कुछ नहीं हो, आप अपील करो हाई कोर्ट में, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, करेक्ट ना। फिर एक ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अगर कंपनीज ने कोई ऑफेंसेस किया है बेटा तो कंपनी के साथ साथ कंपनी के ऑफिसर्स भी पनिशेबल होंगे, लेकिन अगर कंपनी के ऑफिसर्स ये साबित कर देते हैं कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे तो शायद वो बच जाए, ये तो कॉमन पॉइंट ये बहुत सारे लॉ में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है एग्जेम्पशंस, आपको कहाँ कहाँ एग्जेम्पशन मिलता है, तो आपको कस्टम्स एक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगा, कस्टम्स टैरिफ एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सब आप आईडीटी में पढ़ते, तो ये सब का क्या मिलेगा आपको, एग्जेम्पशन मिलेगा, प्लस आपको 100% एफडीआई मिलेगा एसिजेड में। तो अगर आपको पूछा गया कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है तो आप ये सारा चीज लिख सकते हो, प्लस उनको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने मिलेगा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने मिलेगा, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंजॉयड बाय एसिजेड और यूनिट्स इन एसिजेड, तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। फिर एसिजेड डोमेस्टिक क्लियरेंस कर सकते हैं, डोमेस्टिक क्लियरेंस मतलब देखो एसिजेड एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया गया, तो ये लोग डीटीए को भी दे सकते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, डीटीए को भी दे सकते हैं। आप डोमेस्टिक क्लियरेंस ऑफ गुड्स कर सकते हो, लेकिन एसिजेड किस लिए बनाया, बेसिकली प्राइमरी किसके लिए बनाया, एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो लोग डोमेस्टिकली गुड्स को क्लियर करेंगे तो उनको सारे कस्टम ड्यूटीज पे करने पड़ेंगे, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, काउंटरिंग ड्यूटी होती है, सेफगार्ड ड्यूटी होती है, तो उनको जितने भी कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हिसाब से ड्यूटीज है सारे पे करने पड़ेंगे, क्लियर। इतना क्लियर। अब लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। अब हर एक एसिजेड के लिए क्या बनेगा, एक एसिजेड अथॉरिटी बनेगा, तो हर एक एसिडेट के लिए क्या बनेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनेगा। अब हर एक अथॉरिटी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उनके पास कॉमन सील है, दे कैन होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे क्या होता है पता है क्या, जैसे कोई एरिया का जैसे अथॉरिटी बनता है, जैसे मेरा एसिडेट है तो शिप्स का एसिडेट का अथॉरिटी, यानी वो पूरे उस एसिडेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, करेक्ट। अब एसिडेट अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, यानी एसिजेड अथॉरिटी में कौन कौन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है देखना। एसिजेड अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है जो डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, फिर दो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, फिर एक ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करेगा, और दो पर्सन जो एंटरप्रेन्योर्स या उनके नॉमिनीज होते हैं वो क्या बन जाएंगे, वो मेंबर बन जाएंगे। तो एक डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, प्लस दो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नॉमिनेटेड, प्लस एक ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, प्लस दो लोग कहां से हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करेगा। तो इन शॉर्ट टोटल कितने लोग रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 लोग रहते हैं टोटल एक एसईजेड अथॉरिटी। अच्छा अब बात समझो, ये आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। अब बात समझो, अगर एसईजेड अथॉरिटी में 6 जन होने चाहिए, चलो मान लो कभी 3 ही 4 ही जन है, चलो 4 ही मेंबर्स है और 2 मेंबर्स नहीं है, तो क्या इससे एसिजेड का एक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा, क्या इससे एसिजेड के काम पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। तो वो ही लिखा है कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी अथॉरिटी शैल बी इनवैलिडेटेड मेरली मींस ओनली बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ एनी वैकेंसी, एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और इररेगुलरिटी, यानी अगर आपके अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था या अपॉइंटमेंट बराबर से नहीं हुए थे या मेंबर्स पूरे नहीं थे, तो इससे केस इफेक्ट नहीं होगा, इससे एसिडेंट अथॉरिटी का डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा, इन सिंपल वर्ड्स, करेक्ट। अथॉरिटी का फंक्शंस क्या है, वही ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, एसिडेंट के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, ये लोग आप पर सर्विस चार्जेस लगाएंगे जैसे फीस, रेंट वगैरह,
जैसे अगर मैंने SEZ में अपना दुकान खोला, अपना कंपनी खोला, तो मेरे को रेंट फीस लीज चार्जेस कुछ तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो कलेक्ट कौन करेगा? SEZ अथॉरिटी एंड परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे प्रिस्क्राइब। अब सारे SEZ क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट करते हैं। ये लोग हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना फुल अकाउंट्स पब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे, और उस रिपोर्ट का कॉपी पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, करेक्ट? अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या लिखा है? पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी। यानी अगर SEZ अथॉरिटी, आई रिपीट, अगर SEZ अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इनको टेक ओवर कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ सुपरसीड, मतलब वो लोग टेक ओवर कर ले रहे हैं, आपको हटा दिया जाएगा, आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए हटाया जा सकता है। और कब हटाया जाएगा? जब अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या फिर अथॉरिटी कंटिन्यूसली ड्यूटीज परफॉर्म करने में डिफॉल्ट कर रही है, या अथॉरिटी ने अपने पावर्स का गलत फायदा उठाया यानी अब्यूज किया है, या अथॉरिटी अपने औकात से बाहर जाकर काम कर रहा है, अपने पावर्स को एक्सीड कर दिया है, या अथॉरिटी विलफुली नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बता रहा है, ये लोग जानबूझकर उसको फॉलो नहीं कर। अब आपको सुपरसीड करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और सुपरसीड करने के बाद चेयरपर्सन और सारे मेंबर्स अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे। मैंने बताया था ना, डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरपर्सन होता है, प्लस 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, प्लस 1 जन को कौन नॉमिनेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और 2 जन को और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा जो एंटरप्रेन्योर से, करेक्ट? और जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है, पावर्स एंड फंक्शंस है, वो सब कौन डिस्चार्ज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 6 महीना खत्म होने के बाद SEZ अथॉरिटी को वापस से क्या कर दिया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। सिंपल, लिखा रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड लिमिटेशन। यस, अगर आपके बीच में डिस्प्यूट है, यानी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में डिस्प्यूट है, डेवलपर्स के बीच में डिस्प्यूट है, एंटरप्रेन्योर या डेवलपर के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो लोग अपने केसेस को आर्बिट्रेशन के पास लेके जा सकते हैं, और आर्बिट्रेशन उनके केस को क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। अगर आप केस आर्बिट्रेशन के पास लेके जाओगे, तो केस विल बी सॉल्व एज पर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, करेक्ट? फिर एसिड में जो भी अंदर बाहर आएगा जाएगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड लगता है। आप बिना आईडी कार्ड के एसिड के अंदर या एसिड के बाहर आ जा नहीं सकते, ठीक है? एंड लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो आपको कोई भी ड्यूटी स्टेट टैक्सेस से एग्जेम्पशन दे सकता, ठीक है? तो ऑन दिस नोट अपना यहाँ पर क्या हो चुका है, SEZ एक्ट का रिविजन खत्म हो चुका है। अब आप लोग अगर ये 8 पेजेस पढ़ लोगे, प्लस एक बार JKSC के बुक को देख लेना, सिर्फ देखना, पढ़ना नहीं वहां से, सिर्फ ऐसा पन्ने पलट लेने की सब कवर हुआ है कि नहीं, ठीक है? और आपका ये चैप्टर का रिविजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।